धन्यवाद सभापति महोदय। महोदया, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस नए संसद भवन में जो आने वाले युगों युग तक देश का राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा, और प्रथम विशेष सत्र में ही मुझको बोलने का अवसर आपने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज दिन है माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने का कि उनके नेतृत्व में देश ने इतिहास रचा है। आज दिन है देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का जिनके नेतृत्व में जिनकी अथक मेहनत और प्रयास के कारण आज हमारा सर पूरे दुनिया में ऊंचा किया है। आज अवसर है इसरो के सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का जिनके अथक प्रयास और मेहनत के बदौलत आज देश पूरे दुनिया में सम्मान से देखा जा रहा है। आज अवसर है डॉक्टर विक्रम भाई सारा को याद करने का जिस सपना उन्होंने देखा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस काम को पूरा किया है। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में साधन संसाधन और मेधा की कभी कमी नहीं रही। कमी रही तो नियत की, और कमी रही तो नीति की, और कमी रही तो नेतृत्व की। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के पास नियत भी है, नीति भी है, और नेतृत्व भी है। इसके बदौलत आज हमने चंद्रयान पर पूरे दुनिया में आज हमारा मान बढ़ा है। जब मैं बात करता हूं इस देश की मेधा की तो कोई नई बात नहीं है। जब पूरी दुनिया अभी कल्चर सीख रही थी उस समय भारत ने मगध और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूरे दुनिया में ज्ञान और विज्ञान देने का काम अगर किसी ने किया तो यह भारत की पवित्र भूमि ने किया था। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में कभी मेधा की कमी नहीं रही, साधन संसाधन की कमी नहीं रही। देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब नारा दिया जय जवान जय किसान, तो इस देश के जवानों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण किया और देश के विरोधियों को जवाब दिया, और मां भारती के आन बान और शान में जिन्होंने गुस्ताखी की उनको जो जवाब देने का काम किया, देश और दुनिया ने देखा है। और जब जय किसान की बात आई तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं किसानों के पसीने ने इस देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया जय विज्ञान का, तो आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम अणु संपन्न देश हैं। हम पूरी दुनिया आज इस ताकत को मानती है जिसके कारण देश को एक नहीं अनेक फायदे हुए हैं। चाहे देश के सुरक्षा की बात किया जाए, चाहे देश के बिजली उत्पादन की बात किया जाए, जिसके कारण आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया, तो आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश में एक परंपरा चल पड़ी और आज देश में एक नई अनेक अनुसंधान लगातार हो रहे हैं। उस अनुसंधान का ही परिणाम है कि हमने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। और जब हम इसकी बात करते हैं, कुछ लोग सवाल करते थे मेक इन इंडिया में, मैं तो कहता हूं कि चंद्रयान 3 अनेक उपलब्धियों के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। उसमें आप देखेंगे कि अधिकतर कल पुर्जे आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण देता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोगों को आज हम लोग गौरवशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इस सदन में बहुत देर से चर्चा अनेक बात पे चलती है कि बात हो रही है चंद्रयान की, बात हो रही है स्पेस की, और यहाँ पर बात करने लगते हैं कोई अन्य बातें। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ, जो इतिहास लिखेगा वो अपने इतिहास का गौरवगान करेगा ही। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतिहास लिखा कि देश से जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, तो हम तो अपना गौरवगान करेंगे।
कुछ लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगी तो खून की नदी बह जाएगी। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में खून की नदी तो छोड़िए एक पसीने का बूंद भी नहीं बहा है। जब हम इतिहास रचेंगे इतने बड़े ऐतिहासिक सदन के निर्माण की तो निश्चित रूप से अपने इतिहास पे हम गौरवगान करेंगे। जब हम पिछले 5 बार महिला आरक्षण बिल की बात आई लेकिन किसी ने पास नहीं किया, किसी ने उसमें जो इच्छा शक्ति थी नहीं दिखाए। जब हमने इस देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया, हमने इतिहास रचा, तो निश्चित रूप से हमको इस बात का अधिकार है, हमको इस बात का गौरव है कि जो हमने ऐतिहासिक काम किया है उस पर हम गौरवगान करेंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 करोड़ से ज्यादा इस देश के बेटियों को शौचालय देने का काम किया, ये इतिहास रचा है, तो अपने इतिहास पे गौरवगान करेंगे। जिस देश के बेटियों को, महिलाओं को जब 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिया, उनको रसोई के धुआं रहित रसोई देने का काम किया, तो अपने गौरव पे हम गान करेंगे। मैं इतना सभापति महोदय कहना चाहता हूँ कि जो काम करेगा अब निश्चित रूप से अपने गौरवगान करेगा। मैं अंत में निवेदन करते हुए कि जिस प्रकार से इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का काम किया है उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और खासकर विशेष करके जिस प्रकार के देश के बेटियों ने, महिलाओं ने इसरो के पूरे कार्यक्रम में चंद्रयान के थ्री चंद्रयान में जिस प्रकार का अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से उन बेटियों को भी नमन करते हैं, उस साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ अपनी बात पूरी करते हुए सभी का धन्यवाद। रवि कुमार,